हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटरोला G31 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन सेटिंग को आप डिसेबल कैसे कर सकते हैं और ये सेटिंग जो है डिसेबल करने के बाद किस तरीके से काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन कर लेना है, फिर इसके बाद जो है आपको नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर आपको डिस्प्ले का ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले पे आपको सेलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्प्ले के इस पेज में नीचे की साइड आना है और यहाँ पर आपको जो है लॉक स्क्रीन डिस्प्ले का ये ऑप्शन दिख जाएगा। लॉक स्क्रीन डिस्प्ले पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद आपको अगले पेज में लॉक स्क्रीन का ये ऑप्शन नजर आ जाएगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब ये जो है लॉक स्क्रीन का छोटा सा पेज आपके सामने ओपन होगा, आपका पहले से टिक मार्क लगा हुआ होगा यहाँ पे शो ऑल नोटिफिकेशन कॉन्टेंट पे, ठीक है। तो आपको करना है क्या है कि इसे थर्ड ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है, डोंट शो नोटिफिकेशन एट ऑल, ठीक है। इस ऑप्शन पे आपको टिक मार्क लगा लेना है। अब ये सेटिंग जो है आपकी लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन की डिसेबल हो जाती है इस तरीके से। अब ये डिसेबल होने के बाद काम कैसे करती है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जब भी आपका मोबाइल फोन लॉक स्क्रीन मोड पर होगा तो आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन पर कोई भी जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। कोई भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे आएगा तो आपको लॉक स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपके एप्लीकेशन में वो नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन सेटिंग जो है डिसेबल करने के बाद जो है कुछ इस तरीके से काम करती है आपके मोटरोला G31 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में। अब मैं आपको जो है इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी आपको बता देता हूँ आपके मोबाइल फोन में कैसे आप जो है सेटिंग को शॉर्टकट तरीके से ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले तो सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज ओपन कर लेंगे तो आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग का ऑप्शन नजर आएगा। सॉरी, गलती से दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। सबसे ऊपर जो है ये आपको सर्च सेटिंग का ऑप्शन नजर आएगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको जो है लॉक स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, लॉक स्क्रीन डिस्प्ले। तो यहाँ पर जब आप लॉक स्क्रीन डिस्प्ले टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड में लॉक स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इससे होगा क्या कि आपका मोबाइल फ़ोन आपको शॉर्टकट तरीके से इस सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा और यहाँ पर आने के बाद आप जो है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन सेटिंग को आप जो है डिसेबल कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से।